हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल स्टोरी। आई होप सब अच्छे होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छे हैं। फाइनली मुझे नेट के एग्ज़ाम से छुट्टी मिली है। मैं सोचा वीडियो अपलोड कर लूँ फाइनली। तो आज हम लाए चिकन बिरयानी की रेसिपी। इसको हैदराबादी चिकन बिरयानी भी कहते हैं या चिकन पुलाव भी कहते हैं। ये देखिए, हमने मसाले गरम जो हैं खड़े वो पीस लेने हैं। जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, इस फायदे से हमने पीस लेना है, एकदम महीन का लेना है। अदरक लहसुन का पीस हमने तैयार किया हुआ है साइड में, और ये अच्छे से ये देखिए पीस लेंगे। उसके बाद ये हमने अनियन, ग्रीन चिली और टोमेटोज़ कट कर लिए हैं। दो प्याज लिए हैं हमने, एक टमाटो लिया है और चार पाँच छः हरी मिर्च ली हैं, और चिकन 1 kg, चावल भी 1 kg लिया है हमने। एक कटोरी ऑयल लिया है, एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1.5 कटोरी लिया है हमने। और हमने सारी प्याज लाल कर लेनी है और दो हिस्सों में डिवाइड करनी है। हमने दो अनियंस लिए थे इसलिए बड़े बड़े, अब ये लाल हो जाएंगे तो इसमें से थोड़ा सा हम छोटी कटोरी में रख लेंगे, जिसको ऊपर से हम डालेंगे। और बाकी हम अभी चिकन में डालेंगे। ये हमने खड़े मसाले लिए, काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब हमने ले लिया है। लौंग ले ली है 3-4। ये हमने तेल में डाल लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, उसमें डालने के बाद हम ग्रीन चिली डालेंगे। और ग्रीन चिली डालने के बाद हमने इसमें अपना चिकन डाल लेना है। आप अपना चिकन फ्रेश यूज़ करें या चिकन अगर फ्रिजर में है तो आप निकाल के रख लें, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही डाल दिया था। हमने एक्चुअली धुल के उसका फ्रीज़र में रख दिया था तो वो जम गया था, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई हमें उसको अलग करने में। तो इट्स बेटर कि अगर आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है तो 1-2 घंटे पहले आप उसको निकाल के रख दें, ताकि वो अच्छे से जल्दी से अलग हो जाए। और अब इसको डालने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 से 3 चम्मच। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीसा था, जावित्री, जायफल, इलायची वाला, वो डाल देंगे हम इसमें अच्छे से। पूरा मसाला डाल देंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे हम लोग। और फिर इसमें हमने कहा ना अनियन आधे आधे कर लेने हैं लाल करने के बाद, तो आधे हमने इसमें डाल दिए हैं। चिकन की ग्रेवी बनाएंगे हम, उसमें डाल दिए हैं हमने इसको अच्छे से। ये देखिए, और सबसे मज़ेदार इस बिरयानी का जो है वो ये है पार्ट कि बहुत जल्दी और इजीली बन जाती है। परत वाली बिरयानी वगैरह में बहुत वक्त लगता है, टाइम टेकिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है, हर कोई नहीं बना पाता है। बट इस तरीके से बिरयानी की रेसिपी भी इजी हो जाती है और कोई भी बना सकता है। ये हमने दही डाली है, अमूल का दही लिया था हमने पैकेटेड, जो 200 ग्राम का था पैकेट, वो पूरा 200 ग्राम हमने दही इसमें डाल लिया है। और इसमें फिर हमने अच्छे से भूनने के बाद टमाटोज डाल लेने हैं जो हमने चॉप करे थे, मसाले डाल लेने हैं। देखिए, धनिया पाउडर डाला है हमने 1 चम्मच फुल, गरम मसाला डालना है 1/2 स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम 1 स्पून भर के, और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर कोई मिर्च तेज़ लेता है, कोई मिर्च कम लेता है, तो हमने तो 1 स्पून फुल लिया अभी। और ग्रीन चिली भी डाली है तो स्पाइसीनेस कम नहीं होगी। देखिए, और अब इसमें हम नमक डाल लेंगे। चिकन के मसाले में हमने 1 स्पून डाला हुआ है सॉल्ट, क्योंकि हम आफ्टर बाद में भी डालेंगे। अब हमने चॉप टमाटोज डाल लिए हैं अपने इसमें, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। अच्छे से हमें अपना चिकन भून लेना है। और देखिए, अच्छे से इसको भून लेना। देख रहे हैं, हमें डिफ़िकल्टी हो रही है इसको थोड़ा अलग करने में।
अब जाके फाइनली सारे पीसेस अलग हो चुके। और ये देखिए अच्छे से भुन रहा है, ऑयल ऊपर आने लगा है हमारे चिकन मसाले का। ये देखिए ऐसे अच्छी खासी कसरत हो गई हम लोग की चिकन अलग करते करते। अब फाइनली हम इसे राइस डालेंगे, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, चिकन अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसमें राइस डालेंगे अपने। हमने इसको सोक करके रखा हुआ था वाटर में हाफ आवर के लिए, क्योंकि राइस थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो आप उसको भिगो के रखेंगे तो अच्छा खेल के बिरयानी बनेगी। ठीक है, अब इसको अच्छे से डाल के फिर इसमें हमने पानी डाल लेना है। 2 उंगल का हिसाब रखते हुए पानी डाला है हमने इसमें, थोड़ा वीडियो स्किप हो गई। और फिर ऊपर से हमने सॉल्ट डाल दिया, आप अपना चख के देख सकते हैं जितना सॉल्ट आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो। हमने इन टोटल 2 स्पून सॉल्ट डाला हुआ है इसमें। ये अच्छे से चला लिया है हमने, अब आ गई है बारी इसको सीटी देने की। अब हम इसको अच्छे 1 सीटी देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। अब लिड बंद कर दी है, हमने 1 सीटी ले ली थी। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है, लुक में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसको ऊपर से हम डेकोरेट कर लेंगे अनियंस के साथ जो हमने रेड करे थे। ये देखिए अब ऊपर से इसमें धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने 5 मिनट के लिए बंद करके रख देना है। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और बहुत टेस्टी बनी थी। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस बार ज़रूर बताएं आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।